आज मैं बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट जीके। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबों को कहना चाहूंगा कि अगर मेरा चैनल आप सबों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? ये हो जाएगा जैनुल अबिदीन। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? फिर से सुने, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तुकाराम किस मुगल सम्राट का समकालीन थे? फिर से सुने, तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये हो जाएंगे जहांगीर। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हो जाएगा बाबर और राणा संगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएंगे शिवदयाल साहब। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े थे? ये हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बंगाल के बंटवारे से किस वायसराय का संबंध है? ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ये हो जाएगा कला एवं संस्थापत्य। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये हो जाएगा मध्य अटलांटिका। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल लाइकमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।